उत्तराखंड में देरी से आ सकता है मॉनसून। उत्तराखंड में रन फॉर योगा रैली का हुआ आयोजन। भारी बर्फबारी के बीच रुकी हेमकुंड यात्रा हुई सुचारू। उत्तराखंड में लगातार जारी है अग्निपथ योजना का विरोध। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। वक्त हो चुका है उत्तराखंड बुलेटिन का। हरिद्वार में आज बाबा रामदेव ने 21 जून को होने वाले 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जनता से घरों से बाहर निकलकर एक साथ योगा करने की बात कही। साथ ही उन्होंने लोगों से जगह जगह होने वाले योग कार्यक्रमों में योगा के महत्व में जानने की अपील की है। देहरादून के ग्रेफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी ने चमोली जिले के रेणी गांव में आई आपदा के दौरान बेघर हुई वृद्ध महिला सोनी देवी को मदद करने का फैसला किया है। बता दें कि यूनिवर्सिटी ने महिला के लिए भूकंप रोधी तकनीक का प्रयोग करके एक नया घर का निर्माण किया और आज ही सोनी देवी को मकान की चाबी सौंप दी जाएगी। जब रेणी गांव में आपदा आई तो जैसा कि ग्रेफिक एरा में जब भी कहीं उत्तराखंड में आपदा आती है तो हमारे लोग जाते हैं, तो हमारे लोग वहाँ गए तो हमने पाया कि एक का जो है महिला है और विधवा महिला है जिनका घर इसमें बह गया है और पूरी तरह से निराश्रय वो हो गई हैं। तो फिर इसमें मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी तारीफ करना चाहूँगा। हमने उनको अप्रोच किया, वहाँ पे जो एसटीएम महोदया हैं और डीएम उस समय थी, मुझे नहीं पता अभी वही हैं या कोई और हैं, तो उन्होंने हमारी बड़ी मदद की और उन्होंने जगह जो है जगह का अलॉटमेंट करके हमें दिया। अल्मोड़ा में आज सस्ता गल्ला विक्रेता ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर सस्ता गल्ला विक्रेता अध्यक्ष मोहन सिंह के नेतृत्व में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अध्यक्ष ने कहा कि इंटरनेट ना चलने का कारण उपभोक्ता को वापस ना चलने के कारण उपभोक्ता को वापस जाना पड़ता है। साथ ही लंबे समय से विक्रेता मानदेय की मांग भी कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने मांग पूरी नहीं होने पर हड़ताल करने की चेतावनी दी है। सस्ता गल्ला विक्रेता संगठन के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जो कि हमारी लंबित समय से ही मांगें पूरी नहीं हो पा रही हैं, वो मानदेय की हो, चाहे वो यहाँ पे नेट की हो, नेट में भी काम नहीं करती है, उपभोक्ता को वापस जाना पड़ रहा है, इसलिए हम नेट से काम करने में असमर्थ हैं और हमारे मानदेय पर भी बार बार हम 2-3 सालों से लगातार मांग कर रहे हैं, वो आज तक कोई संज्ञान सरकार द्वारा नहीं लिया गया है और आगे जो भी हमारी मांगें हैं इन मांगों को पूर्ण के लिए हमने माननीय उप जिला अधिकारी महोदय को यहाँ पर ज्ञापन दिया है और यदि हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो हम 30 तारीख से सामूहिक हड़ताल पर जाने का निर्णय। ऋषिकेश में एआरटीओ कार्यालय के पास सड़क दुर्घटना में युवती की मौत के मामले में फरार हुए आरोपी ड्राइवर को पुलिस ने नेपाली फार्म से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी ड्राइवर लॉ कॉलेज ग्वालियर मध्य प्रदेश का प्रिंसिपल बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश करने के लिए भेज दिया है। एक्सीडेंट हुआ था जिसमें छात्रा ईशा डोवाल की मौत हो गई थी अगले दिन दौरान उपचार एम्स में, और उसके तुरंत बाद मौत के तुरंत बाद आरोपी को पुलिस ने छोड़ दिया था और फिर अगले दिन जब थाने का घेराव किया, पुलिस स्टेशन थाने का ऋषिकेश थाने का जब घेराव किया गया उसके बाद पुलिस पर जब थोड़ा दबाव बना तो उसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके आज दिनांक 20 तारीख को उसकी कोर्ट में पेशी हुई है। रुड़की में आज किसान कामगार एसोसिएशन के अध्यक्ष चौधरी सुभाष नंबरदार ने डॉक्टर अमन गुप्ता को उनके जन्मदिन के मौके पर सम्मानित किया। इस दौरान समाज सेवी चौधरी सुभाष नंबरदार ने कहा कि डॉक्टर अमन गुप्ता लगातार क्षेत्र में निस्वार्थ भाव से समाज सेवा कर रहे हैं और वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। वहीं इस मौके पर डॉक्टर अमन गुप्ता ने चौधरी सुभाष नंबरदार का आभार जताया है। उसके बाद में हमारे ये समाज सेवी हैं डॉक्टर अमन गुप्ता जी, इन्होंने जिला हरिद्वार उत्तराखंड और यूपी में भी बहुत जगह पौधे लगा दिए हैं और आगे लगा रहे हैं। उसके बाद हम उससे भी बहुत सारे समाज सेवा करते हैं, जैसे कैंप लगाना, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, कोई भी उसका कैंप जरूर हम लगा फ्री बनवाए सबके, और जो भी कार्य हो, जब किसी को खून की जरूरत है खून भी दिलवाते हैं, कोई मतलब कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ी, जैसे हमारे त्रिपाठी डॉक्टर थे वहाँ इन्होंने कैंप लगवाया, ये समाज सेवा करते हैं, सच्ची समाज सेवा करते हैं। हमारा संदेश तो साफ साफ समाज सेवा का है। आज भी हम अपने जन्मदिवस के अवसर पर थाना झबरेड़ा में पौधारोपण करके आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी 21,000 पौधों की मुहिम जो है प्रदेश के अंदर चल रही है,
उसके तहत ही आज हमने अपने जन्मदिवस के उपलक्ष्य में थाना झबेड़ा में पौधारोपण किया। चौधरी सुभाष नंबरदार जी सम्मानित करने आए हैं, ये भी एक समाज सेवा का रूप है। यहाँ पर हरिद्वार जिले के अंदर पूरी सेवा करते हैं और जो है जो भी समाज सेवा करने वाले लोग हैं, जैसे मैं भी करता हूँ, ये भी कर रहे हैं, सब लोग समाज सेवा के जो तहत यहाँ पर काम कर रहे हैं उनसे हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। और मैं आपके माध्यम से सभी आमजन को भी ये कहना चाहूँगा कि समाज सेवा को एक प्रेरणा के रूप में लेकर के जो है आमजन का सहयोग करें और जगह जगह पौधारोपण करें, क्योंकि आज के टाइम में पौधारोपण की जो है बहुत आवश्यकता हमारे जिले को है। फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही, बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।